बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय कैकेयी का अनुताप, जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के पहले वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 127 की संपूर्ण व्याख्या को आपसे साझा किया है। आगे की व्याख्या को साझा करने के उद्देश्य से हम आपसे एक बार पुनः जुड़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से उस वीडियो को देख लें। अगर फिर भी आपको उस वीडियो को प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। आपने पहले वीडियो में देखा कि राम और भरत के बीच जो संवाद होता है, उसी भरत जी की भाव विभोर बातों को सुनकर राम जी भी भाव विभोर हो जाते हैं और उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि उस भरत के हृदय की गहराई को भला कौन समझ सकता है जिसको जन्म देने वाली उनकी माता ही न समझ सकी। तो कैकेयी जो होती हैं वो भरत जी और राम जी के संवाद को सुनकर कहती हैं कि आगे की व्याख्या आप देखेंगे इस वीडियो में, दोनों की बातों को सुनती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कहती हैं कि हे राम, अगर तुम यह बात सच कह रहे हो कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी उन्हें नहीं समझ पाई, अगर यह बात सत्य है तो तुम वापस घर को लौट चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी की बातों को सुनकर अचानक से सभा उनकी ओर देखने लगी। वैधव्य तुषा आवृता यथा विधुलेखा, वैधव्य मतलब विधवापन, तुषार आवृता मतलब पाले से ढकी हुई, आवृत मतलब ढका हुआ, यथा मतलब जैसे, विधुलेखा मतलब चंद्रमा की किरणें। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वैधव तुषार आवृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कहते हैं कि सभी लोग दृढ़ स्वर को सुनकर कैकेयी के अचानक से सभा उनकी ओर देखने लगी। उस समय विधवा के वेश में सफेद वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह कोहरे से ढकी चांदनी हो। चूंकि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, चूंकि वह स्थिर बैठी हुई थी कैकेयी उस समय, परंतु उनके हृदय में अनेक असंख्य तरंगा मतलब अनगिनत तरंगे उठ रही थी, अर्थात उनके हृदय में भावों की अनेक तरंगे उठ रही थी। आगे मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि वह सिंघनी थी अब हहा गोमुखी गंगा, जो कभी सिंघनी के समान स्वभाव वाली थी, अब उनके मुख से निकलने वाली पश्चाताप की बातें गंगा के समान शांत सरल और पवित्र थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी आगे कहती हैं श्री राम से कि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं समझ पाई। सब सुन ले, स्वयं तुमने अभी यह माना। फिर वह सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सभी यह बात सुन ले कि राम ने, क्योंकि राम ने अभी इस बात को स्वीकार किया है कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी उसे समझ नहीं पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। आगे कैकेयी कहती हैं कि अगर यह बात सत्य है कि मैं भरत को नहीं समझ पाई उनको जन्म देने के बाद भी, तो तुम वापस घर को लौट चलो, क्योंकि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है वह मेरा ही दोष है, यानी मेरा ही अपराध है। जो भी मैंने तुम्हें वन भेजा, यह सारा अपराध मेरा ही है, भरत का अपराध नहीं है। अगर तुम, मैं अपराधी हूँ अगर तुम्हारी, तो जो भी अपराध की सजा तुम मुझे देना चाहते हो वो दे सकते हो, परंतु तुम वापस घर को लौट चलो, क्योंकि जब भरत का इसमें कोई दोष नहीं है तो फिर उन्हें आप क्यों मेरे अपराधों की सजा दे रहे हो। आगे कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पथ मतलब होता है रास्ता। दुर्बलता मतलब कमजोरी का चिन्ह, चिन्ह अर्थात प्रतीक, विशेष शपथ, शपथ मतलब होता है कसम या सौगंध। आगे कैकेयी कहती हैं श्री राम से कि मैं जानती हूँ कि कसम खाकर या सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करना दुर्बलता का ही चिन्ह है, यानी कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु मुझ जैसी अबला नारी के लिए और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कसम खाने के अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ,
आगे कैकेयी जी कहती हैं भरत जी से कि वहाँ पर उपस्थित भरत जी के बारे में कहती हैं कैकेयी जी वहाँ पर उपस्थित सभा से कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर भरत ने मुझे इस कार्य के लिए उकसाया हो, राम जी को वन भेजने के लिए अगर उकसाया हो, तो मैं यह कसम खाकर आज कहती हूँ कि तो पति समान स्वयं पुत्र भी कहूँ, कि अगर कोई भी इस बात को प्रमाणित कर दे कि भरत ने मुझे उकसाया राम को वनवास भेजने के लिए, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। आगे कैकेयी कहती हैं कि ठहरो, यानी कि सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। आज मुझे कुछ भी कहने से मत रोको, जो भी आज मैं कह रही हूं अपने मन की बातों को, उसे सभी लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार तो उसे सब चुन लो, अगर उसमें कोई सार पाओ तो आप उसे उसका चुनाव कर लो, अन्यथा नहीं, अन्यथा उसे छोड़ दो, यानी कि अगर उसमें से कुछ बातें उचित लगे तो उसे आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा वहीं छोड़ दीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, परंतु आज मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ के समान पाप करके चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं और राई के समान छोटा सा अनुताप भी न करूं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, स नक्षत्र मतलब तारों से जड़ी हुई, शशि निशा मतलब चांदनी रात, ओस टपकाती। जिस समय कैकेयी अपने दुष्टतापूर्ण किए गए कार्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस के रूप में अपने आंसुओं को निछावर कर रही थी, या ओस के रूप में अपने आंसू गिरा रही थी। उनके इस पश्चाताप को देखकर रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और आसमान के नीचे नीरव मतलब शांत बैठी हुई सभा भी हृदय थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। आगे कैकेयी के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, दीप्त मतलब होता है प्रकाशित या प्रकाश बिखेरना। आगे मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि जो रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के राज को नष्ट कर दिया था, आज वही रानी अपने पश्चाताप से पवित्र होकर उस चांदनी रात में प्रकाश को बिखेर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यानी कि जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के संपूर्ण समाज को नष्ट कर दिया था या संपूर्ण राज को नष्ट कर दिया था, आज वही अपनी पश्चाताप करके संपूर्ण दिशा को प्रकाशित कर रही थी, या चारों दिशा में प्रकाश बिखेर रही थी। आगे कहती हैं कि सब में विस्मय और खेद बढ़ती थी, और उपस्थित जनसभा के हृदय में उस समय रानी भय विस्मय और खेद एक साथ भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कैकेयी अगली पंक्तियों में स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि मंथरा तो मात्र एक दासी थी, वह क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रसका न निज विश्वासी, मेरा ही मन अपने पुत्र के प्रति विश्वासी न रह सका, या मेरा ही मन निज अपने आप के लिए विश्वासी न रह सका, क्योंकि मंत्रा तो एक मामूली सी दासी थी, वह क्या कर सकती थी। जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे, जल पंचरगत यानी कि शरीर के अंदर स्थित, हे अभागे मन वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित भाव मतलब ईर्ष्या या नफरत के जो भाव थे वह तुम्हारे ही अंदर जागे थे। आगे पंक्तियों में कैकेयी जो है वह अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे, यानी कि शरीर के अंदर स्थिर, हे अभागे मन वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर नफरत भरे जो भाव थे वह तुम्हारे ही अंदर जागे थे। फिर वह स्वयं से प्रश्न करते हुए कहती हैं, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या उस ज्वलित भाव यानी ईर्ष्या भरे भाव के अतिरिक्त इस मन में कुछ और शेष नहीं बचा था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या पुत्र के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है उसका कोई मूल्य नहीं। स्वयं से कैकेयी अपने आप से प्रश्न करती हैं और कहती हैं कि क्या उस ज्वलित भाव के अतिरिक्त मेरे मन में और कोई भाव उस समय मौजूद नहीं थे, क्या पुत्र के प्रति जो मेरा वात्सल्य प्रेम है उसका कोई मूल्य नहीं। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा,
पर आज मेरा ही पुत्र पराया सा मुझसे हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। आगे कैकेयी कहती हैं कि त्रैलोक की यानी तीनों लोग मेरे इस कृत्य पर भले ही मेरे ऊपर थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और जो कुछ भी लोगों के मन में है भला बुरा सब कुछ कहे, आज कहने से कोई भी मत चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे कैकेयी जी पश्चाताप करते हुए अंततः कहती हैं कि छीने न मात्र थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, भले ही तीनों लोग मेरे इस कार्य पर मेरे ऊपर थूके, आज जिसे जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और जिसे भी जो कहना है भला बुरा सब कुछ कहे, कोई कुछ कहने से न चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे और क्या दुहाई करूं, यानी और कितना मैं अपने अपराधों का क्षमा मांगूं, परंतु कोई भी मुझसे मेरी भरत की माता कहलाने का अधिकार मुझसे न छीने। भले ही तीनों लोग के लोग मेरे ऊपर थूके, इस कार्य के लिए मुझे भला बुरा कहें, परंतु भरत की माता कहलाने का अधिकार मुझसे न छीने। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः हम जुड़ेंगे आगे की व्याख्या को लेकर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहे, सुरक्षित रहें।